अभी है कल जाएगी। आप सबका स्वागत है। देखिए जो हम काला कानून बोल रहे हैं, हम उसको काला कानून इसलिए बोल रहे हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होता है, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इसके लिए हम लोग खड़े हैं। हमको हिंदू मुस्लिम से का फाइट नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का कम्युनल मैटर कभी भी नहीं है, ना ही हम लोगों ने इसको कम्युनल कभी समझा है। आप लोगों के सामने है कि मुस्लिम समुदाय ट्रिपल तलाक के ऊपर भी इतना जोर से नहीं उठा। आपके सामने है कि अयोध्या मामले पर भी हम लोग इतने जोरों से नहीं उठे। लेकिन जब हमारे बेस पे, हमारे देश के बेस के ऊपर है, तब हमारा उठना जरूरी हुआ। आप लोगों का ये, बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा समझ है कि हम लोग मुसलमानों के ऊपर अब दादगिरी है, तो ये सिर्फ हमारे ही ऊपर है? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जनता हमारी लिटरेट है, पढ़ा लिखा कोई, अनपढ़ कोई भी नहीं बचा अभी, वो सब जानते हैं। तो हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है जो ये चीज को पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, जो भ्रमित किए जा रहे हैं। हमारी किसी प्रशासन से भी क्या बोलना चाहिए, रूलिंग पार्टी जो है हमारी, हमारी उससे निवेदन है, हमारी लड़ाई भी नहीं, हम तो निवेदन कर रहे हैं। इसको आप लड़ाई क्यों बना रहे हैं? आप इसको कम्युनल मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? ऑन द बेस ऑफ रिलीजन आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? जबकि संविधान हमारा प्रियम्बल ही बोलता है, हमारा प्रियम्बल हमको ये इक्वालिटी की इजाजत देता है। आप वो सीधे सीधे इक्वालिटी को काटने की बात कर रहे हैं? आप सेक्युलरिज्म जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल को हटाने की बात कर रहे हैं? आप आज आप सेक्युलरिज्म को हटाओगे, कल आप उसके बाद में सोशलिज्म को हटाओगे, फिर क्या उसके बाद में आप डेमोक्रेसी हटा दोगे? Isn't it a question? क्या ये आप सबको दिख नहीं रहा है क्या? तो फिर ये इस बार क्यों बोला जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमान महिलाएं कर रही हैं या मुसलमानों का मुद्दा है? इसके अंदर सब लपेटे में है, डोंट वी ऑल नो दैट? तो हम लोग, हम सिर्फ हमारे घरों के लिए नहीं खड़े, हम बाकी वो सब के लिए खड़े, और यही हमारी देशभक्ति का सबूत है कि हम तब अपने लिए नहीं खड़े थे, हम अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े। ये आप लोगों ने देखा है। गुड इवनिंग, थैंक यू, आपके प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के सामने बैठकर, क्योंकि मेरे फ्रंट में बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बैठी हुई है, जिनके हर किसी के हाथ में कलम का हथियार है, और इस कलम से ही हम इंकलाब ला सकते हैं। हम जो यहाँ पर आए हैं, हम आपको एक बहुत मजबूत चैनल समझ कर हम यहाँ आए हैं कि आप ही हमारा माध्यम हो जो हमारी गुहार को हमारे ऑनरेबल पीएम तक आप पहुँचा सकते हो, उन प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर मुद्दा उठाया था, ट्रिपल तलाक को लेकर। उन्होंने हर जगह कहा कि मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हैं, मैं हम उनकी मदद करना चाहते हैं, मजलूम है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। तो उस दिन से हमको एहसास हुआ, ये तो हमारे बड़े भाई है, और हम आपके माध्यम से उन बड़े भाई तक हमारा पैगाम भेजना चाहते हैं राखी की शक्ल में, कि जब आपकी बहनें आपको पुकार रही है कि देखिए ये काला कानून है, आप इसको हटा दीजिए, आज हमारा संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है, अनिल भाई ने आपको बताया कि हम तो पीपल ऑफ इंडिया है। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं नकाब पहनकर आपके सामने बैठी हूँ, इसको आप हटा दीजिए, मैं एक भारतीय के सामने बैठा है। आप इस सोच के साथ आप हमसे बात कीजिए, हमारी बात को आप हमारे पीएम तक पहुँचाइए, क्योंकि आप ही एक मजबूत चैनल हो हमारे उनके बीच में, हमारी गुहार है, रिक्वेस्ट है कि आप उनसे हमारी बात पहुंचाइए कि वो इस काले कानून से हमको निजात हासिल करना है। थैंक यू। Good evening all. The current scenario of the country, you guys must
must be knowing all this. So the protest that is led by Shaheen Bagh was initiated by Jamia students. The persecution that has led on her, that Miss Ladida. So all over the India that this protests are happening and led by women and students. So we are also active since the first day. And we are totally against because it tears the national fabric. And it is against the humanitarian ground. Because if you see that thing, it is dividing a socio-economic bias of CA. You are disrespecting some religion, you are disrespecting some other countries because only Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are not our neighboring countries. There are three major neighboring countries that we deal with. You are disrespecting them. India has gone through major civil wars. India has gone through major civil wars and India is accumulating peoples since 70 years. And there is nothing need of specialization for three countries. That we must follow this and we are giving them citizenships. India is giving them citizenship for like 11 years after our naturalization processes. So, we change karne ka zarurat nahi hai, aisa hum logo ko lagta hai. Aur students isliye isme aage hai kyunki students is the future of India. और जब हमारे ऊपर भी एक विकृत मानसिकता का प्रयोग किया जा सकता है तो हम आज नहीं खड़े होंगे तो हम आगे कैसे खड़े हो सकते हैं. विकृत मानसिकता ही है आज कल भी हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन होता है. एंटी नेशनल्स बोला जाता है, उनको अर्बन नक्सल्स बोला जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया जाता है. अगर हम रास्ते पे नहीं आए तो हमें सीधा एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है. तो ये जो बच्चों की मानसिकता पे आप प्रभाव कर रहे हैं, ये दिस इज द लास्टिंग इफेक्ट. आज से 70 साल पहले जो हुआ उसका इफेक्ट हम आज भी देख सकते हैं. तो अगर आज सीए नहीं रोका गया तो आगे आने वाले 70 सालों में सीए का इफेक्ट होता रहेगा. आज आपने मुस्लिम्स को एग्जीक्यूट किया, बाद में आप रिजर्वेशन के खिलाफ आ जाएंगे, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ आ जाएंगे. एक जनरल एजेंडा जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगा. ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मार्शल लॉ और सिविल वॉर की तरफ हमारा इंडिया हमको बढ़ता हुआ दिखता है, जिसके अगेंस्ट में हम खड़े हैं. नाम बता दीजिए.